नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल हिस्ट्री गाइड नंबर वन पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले के चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आप सीखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, योजनाबद्ध शहर, लोगों का जीवन। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जवानी के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसी समय के आसपास दुनिया के अन्य लोगों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के आसपास मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। चीन में हुआंग हो नदी के किनारे ऐसी सभ्यता का विकास हुआ था। अब हम जानेंगे हड़प्पा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पूरा स्थल की खोज संयोग से हुई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तो उन्हें खंडहर मिले थे। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडहर होगा, इसलिए वहाँ के ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि वह प्राचीन शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल के नाम है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। अब तो इस सभ्यता के लगभग 150 पुरास्थलों का पता चल चुका है। इनमें से अधिकतर पुरास्थल आज के पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पड़ने वाले कुछ पुरास्थलों के नाम हैं: कालीबंगा उत्तरी राजस्थान, बनावली हरियाणा, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका जो है मेहरगढ़ है, ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो और ये आपका लोथल है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न पुरास्थलों पर खुदाई के बाद यह बात साफ हो गई कि यह सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक फैली हुई है। अब इन शहरों की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की कुछ विशेषताएं नीचे दिए गए हैं। योजनाबद्ध शहर, ऐसा लगता है कि इन शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते हैं। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानागार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव ना हो सके। उनमें से उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में रहते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग, घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ईंट एक ही आकार के थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। ईंटों का इंटरलॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। सड़कें और नालियां, सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़क आपस में समकोण पर काटती थी। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी।
नालियों को पत्थर की सीढ़ियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें से मेन होल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। योजनाबद्ध मकान। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो दोम जिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिकृष्ट वास्तुकला का पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानागार और एक बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुआं भी होता था। भंडार गृह। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज भी मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज भी रखे जाते थे। लोगों का जीवन। आपने पढ़ा है कि गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी होती है, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशे में शामिल रहते हैं। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे इस प्रकार हो सकते हैं। शिल्प। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा, कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसे कि केनेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल आदि। खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। खिलौने, बर्तनों, जेवर पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की दक्षता का पता चलता है। कुछ तकलियां भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता था। लोग कपास के धागे बनाते थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। व्यापार। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। हल की शक्ल एक खिलौने भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता था। बड़े भंडार गृह और बड़े बड़े बर्तनों के मिलने से यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर था। पुरास्थलों से कई पालतू पशुओं की हड्डी भी मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला करते थे। जीवन के कुछ अन्य पहलू। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा। हो सकता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही होगी। पुरास्थलों से खिलौनों और मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में मनोरंजन का भी प्रचलन था। हड़प्पा से मिले हुए शीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसका मतलब यह है कि उस जमाने में लोग खिलौना जानते थे। सिंधु सभ्यता के लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां से मिली कई मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर एक पुरुष की मूर्ति जिससे चारों ओर पशु हैं ने खींचा है। यह मूर्ति कुछ कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जानते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य।
हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कें और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था। घरों की दशा खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि नदियां सूख गई हो, इसी के परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। ईंटों की भट्टियां बहुयात में थीं, इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई हुई होगी। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशियों और भेड़ियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा, यानी मरुस्थल बन गया होगा। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।